Good morning friends, myself Dhiraj Sarpala, welcome to Unity Public School. हमारा जो टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर पर, उसका पार्ट, उसका ही पार्ट है कि फोर्स को अप्लाई इन विच डायरेक्शन, फोर्स को हमें किस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए. ऑलराइट, उसके टू टाइप्स हैं. दोनों टाइप्स को हम एग्जांपल में समझ रहे हैं कि फोर्स को अप्लाई हम कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ओके, एंड फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब दोनों को सेम डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करने पर क्या होता है और हमें क्या वैल्यू मिलती है, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगाने पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, दोनों का एग्जांपल से हम समझ सकते हैं. लेट मी यहां पर बॉक्स है, यहां से आप F1 फोर्स लगा रहे हो N. ऑलराइट, सेम चीज यहां पर इस डायरेक्शन में F2 आप लगा रहे हो N. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज. अब इसका हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स नेट या फिर हम ये भी कह सकते हैं टोटल फोर्स. ओके, टोटल फोर्स क्या है कि इसी ऑब्जेक्ट पर हम दो फोर्स लगा रहे हैं, दो फोर्स लगा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं F1 प्लस F2. ओके, यहां पर F1 क्या है, F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन प्लस F2 की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन. बट यहां पर देखो कि ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, इसीलिए हमें यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा. ओके, तो दैट मींस क्या होगा, 10 प्लस माइनस माइनस 10, दैट मींस क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगी. तो वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मींस क्या होगा, बॉक्स कहीं पर भी मूव होगा नहीं. ओके, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से क्या, सेम, सॉरी ये जो है वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ. अब हम सेम डायरेक्शन में देखते हैं कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर क्या होगा. अब देखो यहां पर मैं F1 फोर्स लगा रहा हूं, वो 10 न्यूटन है. ऑलराइट, सेम डायरेक्शन में मैं अगेन F2 फोर्स लगा रहा हूं, वो भी 10 न्यूटन है. अब इसका नेट फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स हमें पता है F1 प्लस F2 होगा. अब F1 प्लस F2 यानी दोनों का मैग्नीट्यूड में यहां पे लिख रहे हैं 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन. अब देखो यहां पर हम माइनस नहीं करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी यहां पर एडिशन होगा, यानी 20 न्यूटन होगा. अब 20 न्यूटन यानी टोटल फोर्स जो है वो F = 20 न्यूटन हम इस ऑब्जेक्ट